guys and welcome back to my channel. Today I'm back with a video where I'm gonna be sharing how to do burfi sweet at home itself, guys. जो आटे से बनता है बहुत ही ज़्यादा simple and easy है, तो ज़रूर try करना guys. And if you're new to my channel, please do subscribe my channel and click the bell icon so that you'll always get the notification of my latest updates, guys. And don't forget to like, share, comment, guys. चलिए let's get into the video. चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने कैसे व्हीट फ्लोर का बर्फी बनाते हैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ये देखिए, वन बॉल व्हीट फ्लोर लिया है, 4 टेबलस्पून जैगरी, 3 टेबलस्पून घी, थोड़ा सा बादाम एंड थोड़ा सा क्रश किया हुआ एलेकी. तो चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार. तो चलिए गाइस, अभी मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है. अभी हम लोग इसमें व्हीट फ्लोर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से एक बार भूंजेंगे. आपको ऐसे मिक्स करते ही जाना है गाइस. या अगर मिक्स करना स्टॉप करेंगे तो नीचे वो जल जाएगा, इसलिए मिक्स करते ही जाना है. अच्छी तरह से आपको भूंजना है इसको. ये देखिए गाइस, मिक्स करने के बाद एक परफेक्ट बन गया है. थोड़ा सा ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड थोड़ा सा स्मेल आ रहा है इसमें, जो गेहूं का स्मेल है. अभी हम लोग इसी टाइम पर हम लोग इसमें घी ऐड करेंगे. ये देखिए गाइस, 1 स्पून घी ऐड करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते ही जाना है. ये देखिए गाइस, हम लोग एक ही स्पून हम लोग ऐड किया था घी को, और ये देखिए अच्छी तरह से इसका एक कलर चेंज हो गया है, अच्छे से भूंज गया है. अभी हम लोग और 2 स्पून हम लोग बाकी है डालने को घी वगैरह, तो हम लोग उसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालकर हम लोग फिर से इसको मिक्स करते ही जाएंगे. ये देखिए गाइस, अच्छी तरह से भूंज गया है. अभी हम लोग बीच में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे. ये सेकेंड स्पून है गाइस, एंड हम लोग को फिर से एक और बार अच्छी तरह से इसको मिक्स करते ही जाना है. ये देखिए गाइस, अभी परफेक्ट एक कलर बन गया है 2 स्पून ऐड करके, वो भी घी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है. अभी हम लोग इसमें जैगरी ऐड करेंगे गाइस, पूरा 1 बॉल जैगरी है. इसको भी अच्छी तरह से आप लोगों को मिक्स करते ही जाना है. ये देखिए गाइस, अच्छी तरह से हमारा जैगरी अच्छी तरह से ये देखिए मेल्ट हो गया है. देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है. अभी हम लोग इसी टाइम पर हम लोग क्रश किया हुआ एलेकी ऐड करेंगे गाइस. आप लोगों को ऐसे पूरा स्प्रेड करके आप लोगों को डालना है एंड अच्छी तरह से आप लोग एक बार मिक्स कर दीजिए. अभी हम लोग बाकी बचा हुआ घी भी ऐड करेंगे गाइस, 1 स्पून. टोटली 3 स्पून हम लोग ऐड किया है. अभी इसको भी अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कर दीजिए. ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया एंड परफेक्ट कलर आ गया इसमें. अब ये देखिए गाइस, परफेक्टली मिक्स करने के बाद ये देखिए एक परफेक्ट बर्फी का कलर आ गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखिए. अभी हम लोग इसी टाइम पर हम लोग बादाम ऐड करेंगे ऊपर से, और इसको भी अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कर दीजिए. अभी मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है देखिए गाइस. अभी और इसमें मैंने घी थोड़ा सा स्प्रेड किया है. अभी हम लोग इसमें जो हमने प्रिपेयर किया था उसको हम लोग ऐड करेंगे. ये देखिए, आप लोगों को सब कुछ ऐड करके एक सेट करना है इसको इसलिए. ये देखिए गाइस, परफेक्टली सेट हो गया. अभी आप लोग इसको हाफ एन आवर के लिए ऐसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए गाइस. हाफ एन आवर के बाद मैं देख रही हूँ परफेक्टली सेट हो गया ये देखिए, और ठंडा भी हो गया. अभी हम लोग इसको काटेंगे गाइस, आपको दिखाऊंगी कैसे आप लोग कट करके आप लोग ना सर्व कर सकते हो. ये देखिए गाइस, आप लोगों को ऐसे ही कट करना है. ये देखिए गाइस, द परफेक्टली एंड
तो सॉफ्टली कट हो रहा है। ये देखिए गाइस परफेक्ट बन गया है। ये देखिए गाइस कितना परफेक्टली एंड स्पंजी टाइप बना है, सॉफ्ट है, जल्दी से भी आप बना सकते हो। ये देखिए गाइस परफेक्ट व्हीट बर्फी बन गया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है, आप ज़रूर ट्राई करना, जल्दी से हो जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ना अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर वो भी कर दीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते जाएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, स्टिल देयर, बाय बाय।